हेलो गाइस, हम लोग आ गए जंगल। ठीक है भैया, बताइए हम लोग जंगल क्यों आए? कौन सा फूल तोड़ रहे हैं? कोरैया फूल। कोरैया फूल गाइस, इसका क्या बनता है? रोटी। इसका रोटी बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी लगता है ना? तो चलिए चावल के साथ। हाँ, चावल के साथ, मतलब चावल वाला आटा में। अच्छा, चावल वाला आटा में। और थोड़ा दिखाइएगा आप कहाँ पर है। इधर देखिए, इसको बोलते हैं कोरैया फूल। ठीक है, झारखंड में ये बहुत प्रसिद्ध है और इसका जो रोटी है बहुत टेस्टी लगता है गाइस। तो हम लोग तीन प्लास्टिक लेकर के आए हैं, एक मेरे पास है, एक भैया के पास है, और दो मोर भी देख चुके हैं। और दो मोर देख चुके हैं। इस जंगल में बहुत सारे जानवर भी हैं, है ना? मोर बहुत सारा है। हाँ, अभी मोर ज्यादा है। और क्या है? मोर तो अभी हम देखे लाइव। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको जरूर दिखाएंगे वीडियो में। ठीक है, तो अभी हम लोग तोड़ते हैं कोरैया फूल। ठीक, मोर नहीं देखे। हेलो, ये है सुनील, और इसके पास भी एक प्लास्टिक है। दिखाओ सुनील, इस प्लास्टिक में है गाइस, देखो, है ना? इसको बोलते हैं कोरैया फूल। बहुत सारा हम लोग तोड़ चुके हैं और यहाँ पर अभी मोर का आवाज आया है ना, तो अगर कभी आ जाता है तो आपको सुनाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं जंगल। हम लोग घर के तरफ, बहुत सुंदर जंगल है, राइट, वहाँ पर आ गए। तो चलिए कुछ और तोड़ लेते हैं, क्योंकि रात का हम लोग का डिनर बनने वाला है, रोटी कोरैया फूल के साथ, है कि नहीं? तो मिला कि नहीं मिला? चलिए अभी आ गए, हम लोग तोड़ते हैं, दिखाते हैं पहुंच करके। ठीक है, अरे लग गया कांटा यार। और इधर है एक छोटा सा तालाब। देख, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जंगल, है ना? भैया तो बहुत बार आ चुके हैं भैया। बेसिकली तो हम लोग फूल तोड़ने के लिए आए हैं, तो देखिए कहाँ मिलता है जंगल गाइस। ये जंगल का हम लोग एंडिंग पॉइंट में पहुँच चुके हैं। मिल गया गाइस, मिल गया। देखिए ये है फूल, है ना? सुनील तोड़ रहा है। ये बहुत अच्छा टेस्टी लगता है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, राइट? तो गाइस चलिए इसको तोड़ करके हम आपको फिर से मिलते हैं, राइट? ये फूल जो है, इसको तोड़ करके, है ना, जो थोड़ा सा पक गया है फ्रेंड, ये वाला जो लाल लाल हो गया है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसको साइड कर देंगे। तो अभी हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पेड़ से हम लोग सेलेक्ट करें, क्योंकि घर में जाकर के सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा रखना है, कौन सा फेंकना है, क्योंकि ये सब काम मम्मी लोग का है कि नहीं? तो चलिए और हम लोग मिलते हैं, देखते हैं और कहाँ मिलता है, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस एक जगह और मिल चुका है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए गाइस ना, कितना सुंदर सुंदर दिख रहा है यहाँ पर फूल। कहते हैं इसको कोरे का फूल तोड़ते हुए भैया, और आप सुन सकते, आप मोर का आवाज़ भी सुन सकते हैं। हमको डर लगता है कहीं कुछ आ ना जाए। नहीं, आपको पास है, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर यहाँ पर थोड़ा मिला है तो इसको तोड़ लेते हैं, फिर आ रहे हैं। तो इतना सारा हम तोड़ चुके हैं, सुनील भी कुछ तोड़ रहा है, है ना? सुनील हो गया? नहीं, तोड़ रहा है। जल्दी चल रहे बाबू, सब भैया बुला लो। तो अब देखते हैं कि कितना तोड़ पाए हैं, है ना? तीनों को कलेक्ट करके कम से कम एक प्लास्टिक तो बनना चाहिए ना। घर में चार पाँच मेंबर है तो सबके लिए कम से कम एटलीस्ट वन वन रोटी होना चाहिए, है कि नहीं सुनील? हो गया? नहीं, बस। सबसे पहली बात कि इस जंगल में आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, मतलब नेचर, है ना, आई लव नेचर। नेचर के साथ रहना बहुत ही, मतलब एक खामोशी। यहाँ पर आइए, एकदम पूरा एकदम शांत, अब हर एक चीज को महसूस कर पाइएगा, है ना? भाग दौड़ की जिंदगी में सबसे अच्छा होता है कि हर सैटरडे को आप किसी ना किसी नेचुरल प्लेस पर जाकर के बैठे, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम लोग बेसिकली जंगल तो नहीं आते थे, कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस जंगल। भैया तो बहुत बार आए हैं, है ना? तो चलिए भैया से एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर और क्या क्या देखे जानवर में, है ना? सुनील काटा है, थोड़ा ध्यान से। ये है हमारे भैया जी, आ गए हैं। तीसरा मोड़ देख के आ गए। आप बताइए कि और क्या क्या मिलता है यहाँ पर इस जंगल में? जंगल वाला मुर्गा, मुर्गा और लोमड़ी वगैरह, लोमड़ी भी, बहुत तरह का जानवर। सोचिए छोटा सा जगह में, यहाँ पर जंगल छोटा नहीं है, बहुत बड़ा घना। हम लोग जंगल के एंडिंग पॉइंट में पहुँच चुके हैं। हम पानी पड़ रहा है, नजर ले लो। और कन्हो जंगल के बारे में कुछ बताइए। जब दिल करे तब यहाँ पर आपको मोर देखने को मिल जाएगा, और संडे संडे बस शांति के साथ आना पड़ेगा। हाँ, है ना गाइज? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, भैया बहुत बार आए हैं, तो यहाँ का जो सुकून मिलता है ना, वो मतलब अल्टीमेट, है ना? और कहीं भी नहीं मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता। अभी हल्का बारिश भी चालू हुआ है, अब बारिश भी हो रही है थोड़ा बहुत, तो हल्का लाइट। देखते हैं अगर कोई मोर मिल गया तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, मोर के नाश्ते भी देख सकते हैं, और ये जंगल देख सकते हैं। हाँ, आप नाश्ते में भी देखे हैं? हाँ,
तो गाइज नाश्ते में पंख फैला के पूरा बैठा हुआ। अच्छा गाइज लगभग तोड़ चुके हैं है ना प्लास्टिक, और गाइज हम मिस कर चुके हैं, हम लोग देखे मोर, लेकिन आइडिया नहीं था कि हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, बाद में पता चला कि चलो वीडियो बना लेते हैं है ना, वो उस चीज़ को मिस कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग बेसिकली बाइक से आए हैं, तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं बाइक, जहाँ तक जाता है वहाँ तक हम लोग चलेंगे, उसके बाद हाँ आगे हाँ ठीक है चलिए हम लोग पैदल चलते हैं। ओके चलिए गाइज वहाँ पहुँच के आपको हम बताते हैं कि आखिर क्या क्या और चीज़ें हैं। राइट चलिए, तो गाइज हम लोग थोड़ा सा दौड़ के जाते हैं क्योंकि भाई आगे काफ़ी आगे चल पहुँच चुके हैं, तो पहुँचा पड़ेगा। बहुत वॉक करवा रहे हैं अपने, जा रहे हैं गाड़ी में और हम लोग को वॉक करवा रहे हैं, दौड़ दौड़ के थक गए हैं, अब हमसे दौड़ा हुआ नहीं जा रहा है ठीक है। भैया बोलते हैं जंगल पहली बार आया, चल पैदल चल के आओ देखिए, और हम लोग वहाँ से लेकर का हाफ किलोमीटर हो चुका होगा पैदल आते आते, थक गए हम लोग। भैया कैसा लग रहा है अब हम लोग को थका करके? तो खैर एनर्जी अभी भी है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं जंगलों के बीच में। तो ये था रास्ता हम लोग का, इधर से हम लोग को बाहर निकलना है, और ये है जंगल का डीप वाला पॉइंट जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज अगर मान लिया जाए कुछ नहीं होगा यार चल 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 जाते नको डर में, अरे काटा है आराम से आराम से आराम से, कितना सुंदर लग रहा है, ओ माय गॉड कितना। भैया कैसा लग रहा है फूल तोड़ने में बताइए? मजा आ रहा लो ने जंगल मतलब इंटरेस्ट। हाँ बात सही है, जितना एंजॉय कर सके। सबसे खूबसूरत चीज जंगल में ये लगता है कि पूरा शांति, घर में जितना है हूँ होते रहता है गाइस, यहाँ पर आपको बर्ड का जो साउंड है ना अगर वो सुनिएगा ना, ओ माय गॉड दिल खुश हो जाता है। आप सुनिएगा ठीक है, हम शांत हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड नेचर वॉइस। ओ गाइस बहुत सारे हम लोग तोड़ चुके हैं, अब हो गया है टाइम प्लांट लोग का सोने का और हम लोग के घर जाने का, अब प्लांट को नेचर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे है ना, 5-7 मिनट और तोड़ नहीं करेंगे। अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं, हाँ किधर है, अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं और अब हम लोग तोड़ चुके हैं, अब नेचर को दे देते हैं रेस्ट क्योंकि अब टाइम हो गया शाम का समय हो गया ना। हाँ क्या वही तो गाइज, हम लोग रास्ता भूल गए कि किधर से निकलेंगे। देखिए हम लोग इधर आ रहे हैं, इधर रास्ता बाइक किधर खड़ा कर लें पता तो रहा, हे भगवान। तो कोई नहीं गाइज हम लोग मिल जाएंगे है ना, भैया हो गया टाइम हो गया, चलिए चलिए इतनी थोड़ी है अब। हाँ बोलिए कुछ बोलना है क्या? हाँ बस लास्ट पड़ाव में है, तो रास्ता एक्चुअल में हम लोग भूल गए कि बाइक किधर, नहीं भूले नहीं नहीं हम भूल गए नहीं, लेकिन हम भूल गए लेकिन गाइस वो तो निकल जाएंगे, लेकिन अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि हम लोग आए क्यों नहीं, फर्स्ट टाइम है, भाई बार बार आ चुके हैं यहाँ पर है ना, तो उनको पता है हर एक रास्ता। गाइस आवाज सुनिए, इस आवाज से ये पता चल रहा है कि शाम हो चुका है, उन लोग का सोने का टाइम हो गया है पेड़ पौधों को है ना। गाइस हम लोग रास्ता खोज करके आपको हम बताते हैं, बाइक के पास पहुंच करके आपको बताते हैं कि गाइस रास्ता तो मिल गया है लेकिन भैया को बाइक नहीं मिल रहा है, रास्ता तो हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं बट पता नहीं चल रहा है कि बाइक हम लोग कहाँ खड़ा किए हैं। भैया बाइक मिला? अच्छा पीछे है, मतलब गाइस हम लोग रास्ते से काफी आगे आ गए हैं, बाइक पीछे छूट गया है और हम लोग आगे आ गए, तो जाइए तो अभी आपके पास है ना, घर उधर है, घर उधर है, घर इधर ना है, इधर है घर। गाइस इस रास्ते से हम लोग आए थे, इसी रास्ते से जाएंगे। गाइस बाइक नहीं मिल रहा है ना, हम लोग कंफ्यूज हैं कि घर इस रास्ते से जाएगा या इस रास्ते से जाएगा, हम लोग पूरा टोटली कंफ्यूज हैं, हमको ये भी नहीं पता चल रहा है, भैया बोल रहे हैं इस रास्ते, ओह माय गॉड बाइक तो दिख भी नहीं रहा है।
बोल में कुछ सस्पेंस में रख भी। जल्दी बोल, जल्दी बोल, बाइक में कहाँ चलें? देख कोई, लेकिन बाइक पीछे होगा, बाइक यहाँ नहीं है तो नहीं है यहाँ पर। पीछे बाइक था, पीछे बाइक नहीं था, सुने नहीं मिला बाइक? अरे गाइस वो रास्ता नहीं है, उधर नहीं मिला, इधर चलिए देख लेते हैं आगे रास्ता को दिखाते हैं। सो गाइस बाइक नहीं मिल रहा है, टेंशन वाली बात हो गया कि बाइक क्यों नहीं मिल रहा, देखते हैं कहाँ गया। गाइस हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग किस एक्चुअली रास्ते पे ही खड़ा किए हैं और हम लोग लगता है कहीं और आगे निकल गए या फिर पीछे निकल गए। इधर नहीं है, राइट, पीछे जाना ही पड़ेगा, ये तो रोड साइड है गाइस, ये रास्ता यही है मेन, ये रास्ता में हम लोग बाहर निकलेंगे, यही रास्ते से हम लोग बाहर जाएंगे क्योंकि रोड हमको दिख गया है भाई। गाइस पहली बार हुआ ऐसा जंगल में लोग खो गए, एक्चुअली ये जंगल जो है ना बहुत ज़्यादा घना जंगल गाइस, और मैं थक चुका हूँ दौड़ दौड़ करके। गाइस बाइक अभी तक नहीं मिला है, बाइक मिल जाएगा बट हम लोग रास्ता खो गए, रास्ता खो गया, सॉरी हम लोग खो गए, रास्ता क्यों खो गए, रास्ता अपनी जगह पर था। मिला बाइक भैया, मिला बाइक ना, मिल लो। गाइस हमारे एक पार्टनर भी गायब है। सुनील आवाज रे, आवाज दो। हाँ आवाज आ रहा गाइस, कैसा लग रहा है बाइक भुला करके, बोलिए कहाँ खड़ा कर दिया आपको पता भी नहीं है, बोलिए बोलिए। ये रास्ता ना लिया। अरे हम लोग गाइस रास्ता खो गए, नहीं सॉरी हम लोग खो गए रास्ता से, हम लोग भटक गए, आई थिंक वो रास्ता में होगा उधर। सुनील उन्हें मिलना, सुनील अरे कहाँ गली रे, बजिया दिन रे। गाइस सेंसिटिव मुद्दा हो चुका है तो हम लोग मिलते हैं थोड़ा सा सब चीज अरेंज करके। सर 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 गाइस गाड़ी नहीं मिल रहा, अभी टेंशन में है अभी हम लोग सब। सुनील खो गया तो सुनील मिल गया है, आ रहा है सुनील, देखिए गाइस आ रहा है वो सुनील, और है ना, और ये देखिए मेरे भैया जो हमेशा आते हैं आज वो खुद रास्ता भटक गए, दूसरा रास्ता में आ गए। हमको लगता है ये जंगल के वो साइड एक और रास्ता है, उसमें बाइक खड़ा किए थे शायद, और हाँ उधर एक रास्ता दिख रहा है, इधर से माने छोड़कर की यहाँ से रास्ता चला। तो एक मिनट कैमरा बैक करके दिखाते हैं, पहली बार हम आए थे गाइस जंगल। ओहो ये भी रास्ता गलत है, अरे बाबा तो उधर गाड़ी ये कुछ चोरी करके ले लो की। गाइस 6:22 हो चुका है, हम लोग तीनों तीन एंगल में तीन डायरेक्शन में पहुंच चुके हैं और गाड़ी अभी तक मिला नहीं है, अभी हम लोग दूसरा इस रास्ता का इंतजार कर रहे हैं कि इधर सॉरी इस ये इधर रास्ता है या नहीं है ये पता करने के लिए इधर आए गाइस। तो अगर हम जंगल को दिखाएं तो जंगल के डीप एंड में हम लोग जाने वाले हैं, जाने हम लोग नहीं सिर्फ मैं जा रहा हूँ गाइस, राइट। ये बहुत ज़्यादा अब हमको डर भी लग रहा है अकेले अकेले क्योंकि भैया है नहीं, भैया और सुनील उधर उस रास्ते में गए हैं तो पता नहीं। हाँ भैया का बाजार, लग रहा है बाइक मिल गया गाइस। चलिए 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 आपको पहुंच करके वहां पर बताते हैं कि एक्चुअली बाइक था कहां पर। राइट गाइस हमको डर लग रहा है पहली बार इस जंगल में, कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस बहुत बहुत बधाई, गाड़ी मिल गया है, ये रहा गाड़ी। ब्लॉक के चक्कर में क्या क्या नहीं करना पड़ता है, गाड़ी हम लोग भूल गए, नहीं दिखा रास्ता था हमको, लगा कि नहीं पता हमको, लगा वो रास्ता में उधर से आए थे ना वही रास्ते में होगा, तो ये रास्ता आए क्यों? तो गाइस फाइनली गाड़ी मिल गया है, अब हम लोग चलेंगे घर। हाय हाय इतना सुकून कहीं ले ला रही, रास्ता बना दिख ले करा। हाँ तो हमको आगे, हमको क्या पता आगे होगा, हमको लगा पीछे था, हमको लगा वही रास्ता में था, ये रास्ता नहीं आया, खैर कोई बात नहीं। वहां पे लेके आगे देख ली रास्ता कहाँ कटल है। अच्छी बात ये है कि गाड़ी मिल चुका है। गाड़ी क्या मिलेगा, हम लोग खो चुके हैं गाड़ी को और पसीना। गाइस अब हम लोग चलेंगे घर, मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। सुनिए चल बैठो, चलो 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 चलो।
ए गाड़ी स्टार्ट कर। तो गाइस अरे चलो 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 दिखाते हुए ले चल। चलिए गाइस कैसा लग रहा भैया गाड़ी अगर खो जाता तो कैसे खोते हैं मैं पता ले पूरा तुम ना से। ओह झूठ बोल रहा है। अब हम लोग आ गए हैं रोड। देखिए गाइस यानी कि हम लोग सीधा अपने घर के रास्ते में। तो कैमरा पैक करके मैं आपको दिखा दूँ। ये बस हम घर जा रहे हैं भाई। ये यहाँ से कितना किलोमीटर होगा भैया? ना ना दो तीन किलोमीटर यहाँ से हमारे घर आ जाएगा। तो बेसिकली गाइस हमारे घर जंगल में नहीं है लेकिन जंगल मेरे घर के करीब है। तो यहाँ इस चारों तरफ जंगल ही जंगल है गाइस। ये हमारा हाईवे कौन सा हाईवे है? NH 100। तो बहुत ही सुंदर हवा चल रहा है गाइस। अब शायद नया नाम होगा NH 522 शायद। NH 100 को रीनेम कर दिया गया है NH 522 राइट। ओके तो चलिए गाइस हम लोग फिर मिलेंगे। A few moments later. तो अब हम लोग पहुंच गए हैं घर। अब देखते हैं घर में जाकर के कितना सारा लेकर के आए हैं। तो गाइस ये है फूल टाइट। मैं इसको बनाने में एक घंटा एटलीस्ट लेट है ना। तो गाइस मिलते हैं एक घंटा बाद। One hour later. तो ये बन के तैयार हो गया गाइस। 5 मिनट के लिए क्या हम बाहर गए? भाभी लोग जो है पूरा रेडी करके एकदम पूरा दम बना होना क्या आधा है ना बन रहा है। भाभी जल रहा है इधर जल रहा है जी। तो ये देखिए अब इसको ये लगता है ना भैया है कि नहीं रोटी गाइस। यहाँ देखिए ये था रोटी है तो चलिए खाई भाई बताइए टेस्ट कैसा है? झूठ बोल रहा है। तो गाइस हम ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं तो हम क्या बताएं इसे मतलब मस्त है। तो क्या बोलूँ इसके लिए कोई वर्ड ही नहीं बना। इतना सुंदर लग रहा है देखने में कितना प्यारा लग रहा है। वाओ ओह माय गॉड।